मेरा नाम युगान शर्मा है। मैं कक्षा 5-4 का छात्र हूँ। आज मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी से महाभारत के समय में कहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म आगे बढ़ता जाएगा तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा। साधुओं के लिए, पापियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चहल त्रिपाठी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्माष्टमी वो दिन है जब हम सबके प्यारे नटखट कान्हा जी का जन्म हुआ था। वासुदेव सूतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्थात मैं वासुदेव पुत्र देवकी परमानंद कंस और चारूण जैसे दैत्यों का वध करने वाले समस्त संसार के गुरु भगवान श्री कृष्ण को वंदन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रूपांश कपूर है और मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज इस जन्माष्टमी के पावन पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने श्री कृष्ण के कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा हो परंतु उसकी भचाई सदैव काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, इसे ही श्रेष्ठता कहते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा था, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई है तब तक मैं अपना रूप रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के समूह प्रकट होता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आज मैं नंदिता वर्मा कक्षा 5 की छात्रा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपके लिए गीता का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम सम्यक राज सिंह है। मैं गौर इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको जन्माष्टमी के पावन के दिन कृष्ण जी के विचार सुनाने जा रहा हूँ। जब जब मनुष्य धर्म का भ्रम भूल जाता है, जब जब उसके हृदय में भावों का नाश हो जाता है, प्रेम का स्थान प्रतियोगिता और करुणा का स्थान अहंकार ले लेता है, सत्य से अधिक सत्ता और मोह प्रकट हो जाता है, तब तक मैं वासुदेव कृष्ण जन्म धारण करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक श्लोक लेकर आया हूँ जिसका नाम है यदा यदा हि धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव था, लेकिन उनको मैया यशोदा व नंद बाबा ने पाला था। कृष्णा जी बचपन में खूब नटखट थे। कृष्णा जी को माखन बहुत पसंद था, वे एकदम माखन चोर थे। कृष्णा जी बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते थे, वो बांसुरी बजाके सब कमन जीत लेते थे। धन्यवाद। नमस्कार, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अनेक नामों से अवगत कराता हूँ। भगवान कृष्ण को कृष्ण नाम महर्षि गर्ग ने दिया। वसुदेव और देवकी के पुत्र होने पर वे वासुदेव एवं देवकी नंदन कहलाए। माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए वे नंदलाल के नाम से जाने जाते हैं। यशोदा मैया उन्हें प्यार से कान्हा और कन्हैया बुलाती थीं। गायों की देखभाल करने पर गोविंद कहकर पुकारे गए। भगवान कृष्ण बहुत मधुर मुरली बजाते थे, इसलिए मुरलीधर एवं बंसीधर कहलाए। उन्हें माखन और शहद बहुत पसंद था, इसलिए माखन चोर और माधव नाम मिला। मुराधु और केशी नाम के राक्षसों को संहार करने पर मुरारी, मधुसूदन और केशव नाम मिला। भगवान कृष्ण स्वयं हमेशा आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें बिहारी भी कहते हैं। आज हम मिलकर आनंद पूर्वक जन्माष्टमी मनाएं। मैं वत्सल बरनवाल कक्षा 5H से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते, मैं प्रिशला। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपके और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस पावन दिन पर मैं श्री कृष्ण जी के ऊपर एक श्लोक सुनाने वाली हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य क्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुं विनाशाय च दृष्टतम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है, महाभारत के समय कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं प्रकट होता रहूंगा धर्मियों के उद्धार के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग तक आता रहूंगा। धन्यवाद।